जो लेफ्ट में निकल रही है गणेश जी की सूंड आंख नाक सब चीज़ें, हाँ, 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 हाँ। आप ध्यान से देखोगे पूरा परिवार दिखाई दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हम लोग बेसिकली अपने रिजॉर्ट से हम लोग जा रहे हैं सीधा जागेश्वर धाम के लिए, ठीक है। वहाँ दिखाएंगे आपको कैसा कैसा मंदिर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, 11 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वही है, ठीक है। तो वहाँ जाएंगे आपको दिखाएंगे कि कैसा वहाँ का पूरा नज़ारा है और कैसा होने वाला है वहाँ का मंदिर, ठीक है। वहाँ फोटो वोटो क्लिक करेंगे और दिखाएंगे कि कैसा रहेगा, क्या क्या मार्केट है, पूरा इस वीडियो में वीडियो को एक्सप्लोर करेंगे, उस मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। अभी बेसिकली बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, सीधे चलते हैं वहाँ पे और आपसे वहीं मिलते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो में आप नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें वीडियो को, शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ठीक है। चलते हैं। तो भाई साहब, अपनी गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी, जैसा कि पीछे देख सकते हो, आपको साइड में रोड के साइड में ही पार्किंग लानी पड़ेगी, ठीक है। तो बाकी देख सकते हो सामने हो रहा मंदिर श्री जागेश्वर धाम, ठीक है। बाकी नीचे देखो कितना ब्यूटीफुल रास्ता और साथ में नीचे नदी गई हुई है, ठीक है। वॉशरूम वॉशरूम करना है तो वॉशरूम के लिए भी आपका यहाँ पर प्रबंध किया गया है भाई, ठीक है। तो यहाँ से जा, यहाँ से तो हाँ इधर से निकलते हैं, नीचे से नहीं चलेंगे वहाँ पर, अच्छा प्रसाद भी तो लेना है, हाँ सही बोल रहे हैं भाई, देख सकते हो बारिश हो रही है मध्यम मध्यम, ठीक है। और यहाँ मार्केट है, बाकी आप क्या नाम है सामने से प्रसाद वसाद लेके वहाँ पे चढ़ा सकते हो। बाकी अभी पता नहीं जूते कहाँ रखेंगे हम लोग, वो देखते हैं आगे चलते हैं। देख लो भाई सारे यहाँ पे प्रसाद की दुकान, बाकी फूल माला और बाकी आप पहनने के लिए माला वगैरह भी ले सकते हो, उदास वगैरह देख लो भाई। यहीं से एंट्री क्या ये देखो जूता घर, सोच रहा हूँ इससे क्या नाम प्रसाद में ये भाई मिल जाएगा, देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे मंत्र मंत्र इससे ही पहले लेंगे ना, इससे ही बारे में तो दिया गया ना भाई, ठीक है। 151 करते हैं आपका, दोनों रखो, क्या क्या रखना है तेरे में, हाँ ये दोनों करवा दो ना हमारे में, ये सही रहा। तो फिर 151 वाले दो कर दो, ये लो इसमें दोनों करवा दिए, है ना। क्या तो भाई साहब हमने फूल माला जो दिया वो ले लिया, ये भाव का सामान ये सामान देते हैं, तो भाई साहब ये 11 ज्योतिर्लिंगों में 8वां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है, ठीक है, जो कि जागेश्वर धाम इनको बोला जाता है, ठीक है। क्या बताया उन्होंने, भैरव पे ना, हाँ चावल भैरव ये वहाँ पर चढ़ाने हैं और सब आप अपने घर ले जाओगे। देख लो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, कसम से आने के बाद देख सकते हो टीका लगा रखा मैंने, ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा ना, काफ़ी शांति महसूस हुई। इसको नारियल दे गया, हमें नारियल नहीं दिया यार, हमारा नारियल रख लिया यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं। देख लो हनुमान जी, यहाँ से हनुमान जी मंदिर अंदर तो अलाउड नहीं किया है, बाहर को दिखा देना, हो गया आपका। तो भाई साहब हमने एक प्रण लिया है, ठीक है, पहले जो 11-12 जो भी जो 11 ज्योतिर्लिंग जो है ना, ठीक है, उसमें से हमने एक कंप्लीट कर लिया है, बाकी और भी ज्योतिर्लिंग हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देख लो भाई ये कुछ यहाँ का मंदिर का पूरा नज़ारा है, कितने सुंदर है। एक जगह चढ़ गया ना बहुत, पता लग गया
देख के, चश्मा देख के चौकन्ने हो जाओ वैसे भी इसी बता दूं मैं यहाँ पे, अगर आप आ रहे हो ना तो भाई चश्मे का बिल्कुल ध्यान रखो। डॉक्टर आती डरा दिया मेरे को। यहाँ पे चार पांच दोस्त मिलके आए हैं हम, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, आठवें स्थान पे बोलते हैं इसको, ये जागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ पे 125 शिवलिंग का पूरा समूह है, और आप देख सकते हैं कितने सारे मंदिर बनाए हुए हैं यहाँ पे। तो भाई साहब अभी हम लोग झरने की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली यहाँ का आपको झरना दिखाते हैं, जो कि झरना बहता है बहुत ही बढ़िया, ठीक है वो दिखाते हैं आपको। आगे घूम के तुम आ जाओ वापस। सब यहाँ पे कुछ ज्योतिर्लिंग के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि 125 मंदिरों का समूह है ये टोटल, ठीक है। बाकी देख सकते हो ये पूरा ही मंदिर। कमल अच्छा बाउली टाइप का एक कमल मंदिर बना हुआ है, कमल बना हुआ है, देख लो भाई पेड़ देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं। ये श्री जागेश्वर धाम मेन मंदिर, ठीक है। बाकी यहाँ पे 125 भाई साहब अभी हम लोग जा रहे हैं कुबेर मंदिर, श्री कुबेर मंदिर। अगर यहाँ पे आप आते हो तो कुबेर मंदिर के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलो, ठीक है। वहाँ पे हम जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको वहाँ का कैसा नज़ारा होने वाला है, ठीक है। बेसिकली हमने प्रसाद जो अपना है वो पैक करा लिया, ठीक है, पन्नी में डाल दिया, टोकरी हमने दे दिया, देख सकते हो यहाँ से रास्ता जाता है श्री कुबेर मंदिर जी का। क्या होता है यहाँ पे हवन के लिए, धुआं निकलता है, अरे ये मगर खत्म हो जाती है लकड़ियाँ भाई, वो नहीं है कुछ और ही अलग साइंस है। बाबा ने चढ़ा लगा दिया मेरे को, लगा दिया मेरे को, दे भी दी, दे दिया बहुत, चलो मैंने लगवा लिया, लगा लेंगे भाई पूरे माथे पे बबूत और टीका वगैरह लगा पड़ा भाई, ठीक है। सुकून मिला, सुकून सुकून मिला भाई, सुकून मिला। श्री कुबेर जी का मंदिर ये सामने देख सकते हो, ऊपर बंदर बैठा हुआ यार, ऊपर बंदर बैठा हुआ है, चलो आओ भाई सुबह मंदिर, देख ऊपर बंदर बैठा हुआ, देख सुबह वाले बंदर देख, वो देख रहा भाई किस हाथ में क्या है, फीलिंग लगा रहा है, सो रहा है यार वो, नहीं नहीं रेस्ट पे, नहीं यार रेस्ट कर रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ, रेस्ट करने हुआ, हाँ आराम कर रहा, थक गया, भरोसा नहीं है लेकिन ऐसा ऊपर बंदर ना सो रहा है यार, ठीक है
तो भाई साहब हमने पूरे मंदिर को विजिट कर लिया भाई, ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा नीचे, जैसा कि पानी का आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा नीचे पानी का, ठीक है। तो वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे और साथ में सामने फ़ोटो खिंचवाएंगे। तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए और बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। चलते हैं सीधा फोटो क्लिक करा। सही कह रहा भाई तू, देख लकड़ियाँ जो जल जल के निकली है ना वो सारी देख नीचे है। अब कितना सच है क्या है वो नहीं पता भाई हमें, मुक्ति धाम के लिए वो देखो ना अपना कोई पिंड। सही कहा भाई, सही कहा सही कहा सही कहा। देख सामने देख कपड़े उपड़े सारे हैं, क्या कह रहे हो? क्या मुक्ति धाम है नीचे? तो भाई साहब मंदिर का हमने दर्शन कर लिया, काफी अच्छा लगा। तो भाई लोगों से पूछते हैं ओपिनियन कैसा रहा मंदिर घूम के, बताओ भाई। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया रहा ना, आना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई कैसा रहा ओपिनियन? बहुत बढ़िया, मस्त है, चौथा ज्योतिर्लिंग का है। हाँ तो हम लोग सीधा चल रहे हैं अपने रिजॉर्ट की तरफ, गाड़ी हमने मोड़ ली है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके टाटा, बाय बाय।